ऐसा कुछ नहीं था, सनीचर वनीचर कुछ नहीं था. हमने करीबन 32 दिन के अंदर ये फिल्म बना दी, तो बिल्कुल मंगल रहा. जी जी, पूरी पिक्चर ही जो फैक्ट पे है वो मुझे पहली बार पता चली. तो इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो मुझे पता था. तो जितना कुछ भी मैंने सीखा इस फिल्म के बारे में, हमारे डायरेक्टर हैं, इनकी जो सिस्टर है वो इसरो में साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने सब कुछ बताया. हमें पता चला बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो नहीं पता थे, क्योंकि साइंटिस्ट का जो प्रोफेशन है वो थोड़ा बहुत अभी ही जाके 4-5 साल में खुलना शुरू हुआ है. एंड तो मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें जो थी वो दबी हुई थी, तो अभी सब कुछ बाहर आना शुरू हुआ है. पहले भी ये मेरे सीनियर थे हर मूवी में, बेबी और शबाना में, इसमें भी मेरे सर सीनियर ही हैं. उन सब मूवीज़ के भी प्रोड्यूसर यही थे, इसके भी यही हैं. तो और कुछ चेंज नहीं हुआ है, थैंकफुली. उनमें भी उन्होंने कोई मेरे साथ ऐसी दिमाग पर निशान छोड़ जाने वाली प्रैंक नहीं करी थी, और थैंकफुली इसमें भी नहीं करी है उन्होंने कुछ ऐसा. तो मतलब सब कॉन्स्टेंट ही रहा है तब से लेकर अब तक. नहीं सर, उस मूवी की बातें इस मूवी में नहीं होती थी, हम इस मूवी की बातें इस मूवी में करते थे. बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था, क्योंकि हम सब आर्टिस्ट जो है इस फिल्म में, वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल विथ ईच अदर, और हमेशा हम हंसते ही रहते थे. कैसे फिल्म कट गई पता ही नहीं चला, जैसा कि सर कह रहे 32 दिन में फिल्म बन गई, और हमें बिल्कुल इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के साथ साथ हमें बहुत मज़ा भी आया. तो इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग एक्सपीरियंस. It was No, it was genuinely a fantastic experience for me. It was, in fact, the opposite of that. It was easy. It was more easy than I've ever worked before. So, I was actually surprised. I was not expecting it to be so friendly, so warm, and so easy. There was no hierarchy, and I really enjoyed myself. Yeah. I felt very included. No, because Bollywood है, बहुत like नया place है, तो I didn't know, मुझे नहीं पता था क्या expect करना है, but I'm really so happy and I feel so part of the group. So honestly, apart from the fact that came in papers, I didn't know much. And वो paper में भी मैंने सारे article की पूरे details से नहीं पढ़े होंगे. Budget पता होता है, कितनी देर में हुआ वो पता होता है, कब हुआ वो पता होता है, ये basic पता होता है. उससे ज़्यादा क्या technique use करी गई थी वो नहीं पता थी. वो actually मैं script में जब जगन ने आके सुनाई, script सुनाने से पहले उन्हें पूरा explain किया कि ये techniques use हुई हैं इसके अंदर. But thankfully, because I genuinely loved science, maths and physics were my strongest subjects, so I really got excited with the whole technique that he explained, and then of course the script was really good. And वो इतनी अच्छे से explain करी है film के अंदर. Forget about people like me who would know little bit about science. And I think anyone and everyone can follow whatever is happening, because it explained in such a nice way. आपने trailer में भी देखा होगा पूरी और वो sling, वो सब इतनी basic तरीके से समझाया कि कोई बच्चा भी समझ जाए कि किस तरीके से गए हैं मार्स तक. सो हाँ, मैं तो मेरे लिए वो एक रीविजिटिंग दोज टर्म्स एंड दोज नाइस टेक्निक्स दैट आई हैड हर्ड ऑफ इन माय कॉलेज, दैट वाज लिटिल नॉस्टैल्जिक, लाइक दैट आई हैड चिप ऑन माय शोल्डर के एक मैं हूँ जिसको आता है ये सब. अक्षय, क्या आप खुद को नए जमाने के मनोज कुमार के रूप में देखते हैं? ये भारत कुमार है, भारत कुमार का रूप है. गिरने जी, ऐसा कुछ नहीं है. मैं हर किस्म के रोल करता हूँ. ये इत्तेफाकी बात है कि ये
जो है इंडिया पे है, लेकिन इसके बाद एक और फिल्म आ रही है और ये जो तमगा आप मुझे दे रहे हैं वो उस फिल्म देखने के बाद ले लेंगे आप, उसका नाम है हाउसफुल। बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं हुई, बहुत आसानी से चले गए। हमारे डायरेक्टर ने पूरा काम करके रखा था कि क्या शॉट कहाँ लेना है, कैसे VFX करना है, क्या क्या करना है, तो एकदम डिवाइड करके रखा हुआ था। मैंने सोचा था, हाँ जी, जी पिक्चर रिलीज हो रही है, बिल्कुल कंप्लीट हुआ, दो दिन में आप देख पाएंगे। My experience, you know, inspired, although I am from Bollywood and not from the South like Nithya, but for me it was also like I really was also in the same boat in terms of I didn't know what to expect. I mean, I've worked with Tapsee before, but everybody else was very new for me. And the fact that hello kar do sir, hello kar do sir, hello Krishna. कृष्णा जी, हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, मैं अक्षय कुमार बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में करें। ओके I mean, I call it the most tantrum-free set. You have the biggest names of Bollywood in this film together, but it was the most tantrum-free and most warm and friendly set that I personally have ever been on. So it's been a fantastic experience. I also have a question for Akshay. So your film, Batman, recently won a national award. Does that amplify your motivation to do more such films with a social message? Yes, ma'am. Even if I wouldn't have also, I still would have had the motivation to do it. And I will keep on doing it, whatever comes in my head and whatever I think is right and whatever my production, I think it's right for my production to produce it, I will keep on doing it. But does it not typecast you as somebody who's picking successful stories from India basically? Do you not fear being typecast with that? Even if it does, I mean, to do something good and right, it's not, I'm not scared of that. What's wrong with that? I think it's great, yeah. No, that's what she's asking. नहीं, मैं मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे खुद मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, तो अब मुझे लगता है कि आप लोग हैं जो इस चीज़ को ले जाते हैं आगे तक, तो और किसकी राय पूछी आपने? हाँ, इस पर बिल्कुल, अभी से वॉट मैं बोलूँ तो वाटर पे तो यही है कि बिल्कुल पानी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही है। अभी करीबन ना करीबन 18 स्टेट को डिक्लेयर कर रहे हैं कि पानी की उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। आई होप समथिंग दे डू इट अबाउट दे डू समथिंग अबाउट इट। जैसे कि मैं जानता हूँ कि मैं अभी गया था, फिलहाल केप टाउन में गया था, तो वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जोहान्सबर्ग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट द वाटर इज़ वेरी लेस देयर। सो कुछ ना कुछ करना चाहिए, हार्वेस्ट क्या कहते हैं उसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड तो सो मेनी टेक्निक्स आर देयर एंड आई एम श्योर अगर कोई स्क्रिप्ट मिले तो ज़रूर करूँगा। जी It's not only actually one person, ma'am. We are actually representing the entire Indian women, the way they... In that sense, आप बता सकती हो कि हम बता सकते हैं कि विद्या जी की थोड़ा क्लोज है, बट वी नेवर लुक्ड एट इट एज एम्पावरमेंट। वी साइंस मेक्स देम ए साइंटिस्ट, सो इट्स नॉट द जेंडर, सो वी नेवर लुक्ड एट इट दैट वे। वी एक्चुअली लुक्ड एट देम एज साइंटिस्ट, ऑल ऑफ देम।
No, they're very professional. They're very professional. But the moment you say cut, they'll become college students. To get us onto the set. Yeah. It was like, ready, please come. The preliminary outlook was that they should look simple, because if you take our scientists, they're so simple, but they're doing such extraordinary work. If you look at them in a bus stand or even in a market, you wouldn't second guess that they are scientists, because if they're NASA scientists and all the thing, they come with an image. But our scientists, if you look at them, they're so simple. So that's the only thing I was looking at everyone. But there are each quality of a woman or a scientist that we were embodying, one being like Sonakshi ji or somebody who was very flamboyant, and Vidya ma'am represented the home science. So each one represents one quality of a woman. Yeah. Sorry. I think they are fabulous actresses first, more than when they came on the floor, they didn't have any stardom of that nature. We prepared well, and as a matter of fact, Kirti ma'am asked a lot of questions. So everybody came prepared on the floor. So the moment you say action, they'll behave like college students, but the moment you say action, they get into the role. That was really amazing for me, and they didn't treat me like a first-time director. But you know, I want to add something to that. The fact that the way we look is ultra glamour, whatever. I don't agree with that, because all of us, if you look at the, we have also done roles where we have played absolutely simple girls next door. So yeah. I think we all are very simple-looking people who can also turn ultra glam if need be. So it's the other way, I feel. Hi, sir. My name is Priya. मंगल और टॉयलेट में क्या डिफरेंट है? हाँ तो टॉयलेट एक प्रेम कथा की है एड में. हाँ वही वही क्या अलग होता है ना, तो अलग एक्सपीरियंस तो वैसे ही रहा फिल्म मेकिंग का, जैसा होता है. सेट अलग थे, हीरोइन अलग थी, कितने दिन में बनाया वो अलग था, लेकिन एक्सपीरियंस वैसे ही रहा. जगन सर कह रहे बहुत ही एंटरटेनिंग और कमर्शियल फिल्म भी है मिशन मंगल. पहले इनका खत्म. जगन सर कह रहे हैं कि ये बहुत ही एंटरटेनिंग और कमर्शियल फिल्म भी है. ऑल्दो इट इज बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट, लेकिन ये किसी ने पूछा ही नहीं है. जगन सर को बोला नहीं जी, अभी नहीं आ रहा. ओके ये कहना चाहते हैं कि पहले नहीं, मैडम मैं अब जवाब दे दूं. मैडम 2014 में आए थे तो जी. आगे? ये कोई और है. जनाब पहले मैं उनका जवाब दे तो बताता हूँ. हाँ मैम, आप पूछिए वापस.
क्यों मैं भूल गया, इन्होंने आप ही के लोगों ने खराब कर दिया. नहीं, वो कोऑर्डिनेशन है. मैं समझ गया, याद आ गया मैडम. मैडम देखिए कि मोदी साहब ने ये जो किया था स्वच्छ भारत, ये 2014 में किया था. मेरी फिल्म आई थी 2017 में. तो आप गलत बोल रही हैं. Am I right, ma'am? पहले बात तो सुनो, आपको क्या, किस बात की जल्दी है? आप आज तक से हो सबसे तेज चैनल. तो फिर हाँ जी, सेकंड आपका था कौन सा था वो सेकंड वाला पिक्चर? नहीं जी, जी चंद्रयान जो है, चंद्रयान जो है वो पहले से ही कर रहे हैं. उसकी प्रेपरेशन करीबन 2015 से शुरू है. और ये मेरी फिल्म जो है वो अभी शुरू हुई 2018 दिसंबर में. तो वो भी नहीं पॉसिबल. ये इत्तफाकी बात है. आप एक बात जो इत्तफाक वाली बात मैं आपको बताऊं कि 1969 में 15 अगस्त को इसरो बना था. ये इत्तफाकी बात है कि 2019 में हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, यानी कि 50 साल इसरो के पूरे हुए ये 15 तारीख को, और मेरी फिल्म उसी वक्त रिलीज हो रही है. ये मैं आपको बताऊं, ये मुझे खुद 1.5 महीने पहले पता चला कि ये 50 साल पूरे हुए. ये इत्तफाक वाली बात है. और तीसरा वाला कौन सा आपका मेरे ऊपर? हाँ, केसरी जो है वो तो एक मैडम, इट्स अबाउट 1897 की मूवी है, जो कि अटैक हुआ था हमारे ऊपर हुआ था, हमने किया नहीं था किसी पे. एंड इट वॉज अ रियल स्टोरी. सो दैट इज नथिंग गॉट टू डू विद व्हाट यू आर सेइंग मैम. It actually represents the spirit of India, because there is a positiveness that we have. If we hit any roadblock or any kind of problem that we have a very wo jayega attitude. So this film is a representation and spirit of Indianness. This is the photograph that inspired me first, and then I started researching through the help of my sister, and then developed a small story around it. And different characters. So the photograph was the inspiration to go forward. नहीं जी, ऐसा गलत है, गलत है जी. नहीं, बहुत काम किया उन्होंने, मतलब अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है. हाँ जी, इसके अंदर मैसेज यह है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. अगर एक बार दिमाग में सोच लें, अगर हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो साइंटिस्ट है, वो एक बार कुछ सोच लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं. तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, दे हैव डन इट, एंड दैट इज बीन द मैसेज ऑन द फिल्म. Yes, ma'am. Article what? Article 370. Ma'am, the first question, I don't want to comment on all these things. Okay? I'm very much into my film, and I was here to talk about my film and not talk about politics. But it's been like 13 questions has been asked, and out of that 10 has been away from my film, only 3 about my film. So I would request you with folded hands, so let's talk about the film, because we are having Mission Mangal behind, not 370 behind. नहीं, वो ट्रेलर में सिर्फ इट्स इम्पॉसिबल दिखाया कि वो फिल्म की कहानी है, वरना फिल्म की शूटिंग के वक्त इट वाज नॉट एनीथिंग इम्पॉसिबल. दिस मैन जगन शक्ति हैज बीन हिज फर्स्ट फिल्म, इट्स हिज फर्स्ट फिल्म. आई नो हिम, इन्होंने मेरे साथ दो फिल्में एज एन असिस्टेंट की हैं,
एक मिस्टर मुर्गोडॉस गया था एक बालकी के साथ बट दिस बॉय हैज प्रूवन दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल ही हैज डन द होमवर्क सो वेल दैट ही हैज गॉन थ्रू द होल फिल्म लाइक अ बोट इन वेरी काम वाटर सो इज ऑल हैट्स ऑफ टू हिम थैंक यू आई थिंक ये एक ऐसा प्रोफेशन है एक्चुअली आई डोंट थिंक मना कर रहे हैं साइंटिस्ट बनने को बेसिक इशू इज एजुकेशन कि वो या एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि पैसे नहीं होते या उनकी कुछ बिलीव्स होंगी उस तरह की प्रॉब्लम उसके अंदर है साइंटिस्ट बनना तो मतलब आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्रोफेशन अराउंड स्पेशली फॉर अ गर्ल जिसको आप अगर ज़्यादा बाहर आउट गोइंग टाइप ऑफ प्रोफेशंस में नहीं रखना चाहते उनको तो ना घर बैठ के पढ़ के बन सकते हैं साइंटिस्ट अच्छे से तो दैट्स अ गुड प्रोफेशन इन फैक्ट फॉर अ गर्ल टू हैव बट हैविंग सेड दैट द प्रॉब्लम इज नॉट विद साइंटिस्ट एज अ प्रोफेशन प्रॉब्लम इज आई थिंक ये सोचना कि लड़की है तो इसकी मैथ्स वीक होएगी लड़की है तो इसकी फिजिक्स वीक होएगी यू नो दैट प्रॉब्लम ये है कि लड़की है तो इसे पढ़ाने का क्या फायदा शादी करा इस पे इतना इन्वेस्ट ये माइंडसेट होता है रूरल एरिया में लग रही है पिक्चर आई होप वो सब अगर एजुकेशन इस फिल्म को हम दूरदर्शन में दिखाएंगे तो वहाँ से कोई दूरदर्शन वाला ताली बजा रहा है नहीं सच सच बताएं तो आपको ये तो चल रहा है जो आप बोल रहे हो लेकिन ये साल हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा है वो तो फ़र्क तो हल्का पुल्का पड़ता ही है ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पड़ता है लेकिन बट इससे तो हम फिल्म बनाना तो बंद नहीं कर सकेंगे ना और ये बात हॉलीवुड में भी बहुत होती है उनकी फिल्म भी दो हफ्ते में तीन हफ्ते में आ जाती है तो लेकिन अब फिल्म तो बनाना ही पड़ेगा चाहे वो हमको पैसे वहाँ से भी मिलते हैं सैटेलाइट से भी मिलते हैं डिजिटल से भी मिलते हैं तो इस बात में क्या है कि हम इसको ज़्यादा गौर नहीं कर सकते हमें फिल्म बना के देना ही पड़ेगा चैलेंज तो रहेगा चैलेंज तो मैं बताऊं आपको जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूं कोई ना कोई चैलेंज ये कुछ होता है कभी कुछ हो जाता है कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है बट देन समथिंग और द अदर इट जस्ट समथिंग और द अदर द वे कम्स आउट जी मैं एक कर रहा हूं वेब सीरीज Amazon पे आ रहे हैं उसके और भी जी सर मैंने अभी तो सेम तो क्वेश्चन किया था इन्होंने आपने जवाब सुना नहीं चाहा क्यों अभी आए हाँ साथ में पार्टी कर रहे थे पर यही कहेंगे कि हम पार्टी करेंगे पार्टी करनी है फिल्म रिलीज हो जाए चलो
rich. देखा है तो अपने किरदार के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग देखा है आपने हमेशा अपने किरदार के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा बताया है जो आपके बाकी किरदारों से अलग रहा है लेकिन मिशन मंगल में हम जानना चाहते हैं आपके इस किरदार में क्या खासियत है और जैसा कि बालकी सर ने कहा कि ये एक कहानी है ऑर्डिनरी लोगों की जो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे किरदार के बारे में अगर मैं कहूँ तो जैसा कि जगत सर ने ऑलरेडी कह रहे हैं फ्लैम्बॉयंट है थोड़ी सी ब्रैश है इसका मेन पर्पस है कि वो इसरो में काम करे 3 साल के लिए ताकि वो नासा जा सके शर्मन ने एक डायलॉग कहा था ट्रेलर की नाम एका गांधी और काम क्विट इंडिया वाला तो शी इज़ अ वेरी नॉर्मल गर्ल जो मॉडर्न गर्ल टुडे जो एक साइंटिस्ट है एंड कैसे उसे अपने देश के लिए काम करने का इम्पोर्टेंस इस मिशन के दौरान पता लगता है तो इवन दिस इन अ वे इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग कैरेक्टर फॉर मी एंड बहुत ही अच्छा रोल था आई एम वेरी ग्लैड दैट जगन सर गेट टू प्ले दिस तापसी एक सवाल मेरा आपसे है कि आप जैसे आजकल कर रही हैं मूवीज में आप मतलब एक टिपिकल जो हीरो हीरोइन वाला जो कैरेक्टर होता है वो नहीं कर रही है आप बिल्कुल ही मतलब एक्शन सीन्स वगैरह करते हैं तो नहीं नाम शबाना हो गई बेबी हो गई फिर पिंक में भी आपने मतलब काफी बोतल तोड़ी उसमें तो आप आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही कैरेक्टर्स प्ले करेंगे या फिर कुछ आप रोमांटिक रोल्स प्ले करूंगी पहली बात तो वो फिल्में करूंगी जिनकी टिकट मैं खरीद के देख सकती हूं थिएटर जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के 3 साल बताऊंगी जो वापस कभी नहीं आएंगे वो ऐसी पिक्चर में करूँगी और वो कैरेक्टर इतना होना चाहिए कि आप मतलब थिएटर से बाहर निकलें तो आपके जहन में रहना चाहिए उस तरह के कैरेक्टर करूँगी इससे ज़्यादा मैं कैलकुलेशन लगाती हूँ तो अब क्या चाहते हैं किस अलग तरीके से पे काम करना चाहते हैं हाउसफुल और फिर उसके बाद एक पृथ्वीराज चौहान का नाम उसके बाद एक सूर्यवंशी का नाम लक्ष्मी बॉम्ब का नाम चारों अक्षय ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं और संसद में उनका सर्टिफिकेट दिया हुआ है और मनोरंजन वाली फिल्म हंसी मजाक करते हैं कैसे करते करते एक इतना बड़ा काम कर दिखा है सिर्फ 450 करोड़ के अंदर जो कि बहुत कम है एक सैटेलाइट को मार्स तक भेजना आज एक बड़ी बजट वाली फिल्म भी 450 करोड़ की होती तो ये तो मार्स हम एक पूरा सैटेलाइट भेजने की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ जो भारत देश ने करके दिखाई इनके वैज्ञानिकों ने करके दिखाई तो उसे देखने जाए मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा है इसरो के बारे में बहुत सुन रखा है पहली मरतबा एक ऐसी फिल्म बनकर आई जिसमें मुझे शायद वो बारीकियाँ भी देखने को मिली जो मैंने सिर्फ सुनी है तभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि उसमें कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्टर भी होंगे जो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे तो इसीलिए मैं ये फिल्म ज़रूर देखना चाहूँगी क्योंकि मैंने इसरो के बारे में सुना है लेकिन बारीकियाँ नहीं देखी हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे वो सब कुछ इस फिल्म में देखने मिलेगा मेरा एक सवाल एक साल का बैन और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं अगर वो
दोबारा उसको रिपीट करते हैं तो उससे फिर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना, 3 साल तक का बैन और 10,000 का जुर्माना तो इसके रिगार्डिंग सर ना बोलिए नहीं बैन लगेगा। माय क्वेश्चन इज टू द